नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईसीटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ई गवर्नेंस पर। पिछले वीडियो में आपका काफी सपोर्ट मिला मुझे और कई लोगों ने कमेंट में बताया कि आप प्लीज हिंदी में वीडियो बनाएं, तो चलिए करते हैं शुरुआत। ई गवर्नेंस में ये जो ई है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, और गवर्नेंस का मतलब होता है कि किसी स्टेट या कंट्री को किस तरीके से चलाया जा रहा है और उसकी गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन कर रही है। इसी कड़ी में एक टर्म आता है स्मार्ट गवर्नेंस। स्मार्ट को हम इस तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं, एस फॉर सिंपल। जब हम गवर्नेंस में आईसीटी को मर्ज कर देते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन, ऑनलाइन सबमिशन, ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी, तब इसका इस्तेमाल काफी सिंपल हो जाता है। एम फॉर मोरल। ई गवर्नेंस के आने से गवर्नमेंट के काम में मोरलिटी भी आई है, घुसखोरी और बहुत सारी धांधलियां एलिमिनेट हो रही हैं। ए फॉर अकाउंटेबल। चूंकि सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने ऑनलाइन अवेलेबल करा रखा है, जिसकी जानकारी हर नागरिक, एनजीओज और मीडिया को आसानी से मिल जाती है, इसलिए ई गवर्नेंस के आने से गवर्नमेंट में बहुत हद तक अकाउंटेबिलिटी भी आई है। आर फॉर रिस्पॉन्सिव। चूंकि पेपर वर्क कम हो गए हैं और कम्युनिकेशन स्पीड भी काफी हद तक बढ़ गई है, इससे गवर्नमेंट के काम में कम समय लगता है और गवर्नमेंट एजेंसीज काफी रिस्पॉन्सिव हो गई है। टी फॉर ट्रांसपेरेंट। चूंकि अब गवर्नेंस में मोरलिटी बढ़ गई है और काफी डाटा ऑनलाइन अवेलेबल होता है, साथ ही साथ घुसखोरी भी काफी हद तक कम हो गई है, इससे अपना गवर्नेंस काफी ट्रांसपेरेंट हो जाता है और इन्फॉर्मेशन छिपाने का कोई चांस नहीं बन पाता है। ई गवर्नेंस के ये जो 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आईसीटी के इस्तेमाल से आसानी से अचीव किए जा सकते हैं, इसीलिए आईसीटी का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। अब चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस इन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस अलग अलग स्टेक होल्डर के बीच इंटरैक्शंस फैसिलिटेट करता है और इन्फॉर्मेशन का फ्लो गवर्नमेंट, सिटीजन्स और बिजनेस किन्हीं के बीच हो सकता है। इन इंटरैक्शंस को हम 5 तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला G2G, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरैक्शन। दूसरा G2C, मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन इंटरैक्शन। तीसरा C2G, सिटीजन टू गवर्नमेंट। चौथा G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। और पांचवा G2E, मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। अब चलिए एक एक करके जानते हैं इन 5 इंटरैक्शंस के बारे में। सबसे पहले G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरैक्शन। गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में जो भी गवर्नमेंटल प्रोसेस है, आईसीटी का यूज करके उसे रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। यह इंटरैक्शन विद इन गवर्नमेंट ही होता है, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है किसी एक गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग फंक्शनल एरिया, और वर्टिकल का मतलब है अलग अलग गवर्नमेंट, जैसे नेशनल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट। इस इंटरैक्शन का प्राथमिक उद्देश्य इफिशियंसी, परफॉर्मेंस और आउटपुट को बढ़ाना है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं ई एडमिनिस्ट्रेशन, ई पुलिस और ई कोर्ट्स। ई एडमिनिस्ट्रेशन में आईसीटी को इम्प्लीमेंट करके सारे पेपर वर्क को इलेक्ट्रॉनिकली सेव कर लिया जाता है, और इससे कम्युनिकेशन टाइम बहुत डिक्रीज हो जाता है और डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी भी आती है। ई पुलिस का कॉन्सेप्ट साइबर पुलिस से थोड़ा अलग है। साइबर पुलिस में टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट की जरूरत होती है जो साइबर क्राइम को सॉल्व करता है, जबकि ई पुलिस का पर्पस है कि आईसीटी का यूज करके पुलिस डिपार्टमेंट को इन्वेस्टिगेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करना। इसमें एक डाटाबेस तैयार किया जाता है जिसमें पुलिस ऑफिसर्स, उनके परफॉर्मेंस और क्रिमिनल्स के डेटाज स्टोर किए जाते हैं। इससे पुलिस डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी फास्ट हो जाता है और इफिशियंसी भी बढ़ती है। ई कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट जुडिशियल प्रोसेस को आसान बनाने के लिए लाया गया है। टेक्नोलॉजी की मदद से डिस्टेंस हियरिंग, ऑनलाइन पेशी, ऑनलाइन वारंट्स और जजमेंट का ऑनलाइन पब्लिकेशन संभव हो पाया है। इंटरैक्शंस का दूसरा टाइप है G2C इंटरैक्शन, मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन। इस केस में एक इंटरफेस तैयार किया जाता है जिसके थ्रू बहुत सारे पब्लिक सर्विसेज का लाभ उठाया जा सकता है, और इसका इस्तेमाल 24 hours a day and 7 days a week किसी भी जगह से किया जा सकता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं ई सिटीजनशिप, ई ट्रांसपोर्टेशन, ई हेल्थ, ई एजुकेशन और ई टैक्सेशन।
ई सिटीजनशिप के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे कि राशन कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्शन कार्ड, इन सब का इशू या रिन्यूअल के लिए आसानी से आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। ई ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करके आप ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ऑनलाइन काम कर सकते हैं, जैसे कि बुकिंग एंड कैंसिलेशन ऑफ टिकट्स, स्टेटस एंड लोकेशन ऑफ व्हीकल्स, रेलवेज, बोट्स एंड फ्लाइट, इशू एंड रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंसेज, रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल ऑफ व्हीकल्स, पेमेंट ऑफ फीस एंड टैक्सेस फॉर व्हीकल रजिस्ट्रेशन। ई हेल्थ सर्विस के जरिए सारे हॉस्पिटल्स को इंटरकनेक्ट किया जाता है और एक पेशेंट डाटाबेस तैयार किया जाता है ताकि वह पेशेंट कहीं भी इलाज कराने जाए तो डॉक्टर को उसका मेडिकल बैकग्राउंड तुरंत पता चल जाए। ई एजुकेशन के तहत डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन कोर्सेज को बढ़ावा दिया जा रहा है। ई टैक्सेशन टैक्सिंग प्रोसेस को आसान बनाता है। इसके थ्रू हमें ऑनलाइन टैक्स ड्यू के अलर्ट्स आते हैं और टैक्स का पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाता है, जिससे समय की काफ़ी बचत होती है। अगला टाइप ऑफ इंटरेक्शन है C2G, मतलब सिटीजन टू गवर्नमेंट। इसमें सिटीजन का कम्युनिकेशन होता है गवर्नमेंट अराइजिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, जैसे कि वोटिंग, कैंपेनिंग या फीडबैक। इसके एग्जाम्पल हैं ई डेमोक्रेसी और ई फीडबैक। ICT का इस्तेमाल करके हम वोटिंग, पब्लिक ओपिनियन, फीडबैक जैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बना सकते हैं। ई फीडबैक के इस्तेमाल से हम गवर्नमेंट को ऑनलाइन फीडबैक दे सकते हैं, ऑनलाइन डिबेट्स कर सकते हैं और गवर्नमेंट को कुछ सर्टेन डिसीजन लेने की सलाह भी दे सकते हैं। इसके बाद आता है G2B इंटरेक्शन, गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसके तहत बिजनेस कम्युनिटी बड़े आसानी से गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करती है, जैसे कि टैक्स पेमेंट, लाइसेंसिंग, परमिट और रिवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड मुद्दे पर। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं ई टैक्सेशन, ई लाइसेंसिंग, ई टेंडरिंग एक्सेट्रा। ई टैक्सेशन G2C और G2B दोनों इंटरेक्शन का हिस्सा है, क्योंकि एक आम नागरिक भी टैक्स पे करता है और बिजनेस एंटिटीज भी टैक्स पे करते हैं। ई लाइसेंसिंग के तहत कंपनी ICT टूल्स का इस्तेमाल करके आसानी से अपने लाइसेंस गवर्नमेंट से बनवा सकती है और अपना परमिट भी रिन्यू करवा सकती है। इससे टाइम और कॉस्ट दोनों की बचत होती है। ई टेंडरिंग के थ्रू ऑनलाइन अलर्ट्स भेजे जाते हैं। जो भी नए नए टेंडर्स गवर्नमेंट निकालती है उसके अलर्ट्स गवर्नमेंट भेजती है और टेंडर्स का सबमिशन और अलॉटमेंट भी ऑनलाइन ही हो जाता है, जिससे समय और धन की बहुत ही बचत होती है। अंतिम इंटरेक्शन है G2E, मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एक बहुत ही बड़ी एम्प्लॉयर है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की तरह इसे भी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ रेगुलर बेसिस पर इंटरेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि सैलरी स्लिप जनरेशन, लीव रिक्वेस्ट, मेडिकल क्लेम ETC। ICT टूल्स की मदद से इन इंटरेक्शंस को फास्ट और इफ़िशियंट बनाया जाता है और इससे एम्प्लॉयज़ को कोई दिक्कत भी नहीं होती है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसे ही और वीडियोस हम लाते रहेंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक का वीडियो लेक्चर चाहिए या आपकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।